हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल केवर्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज को मुझे यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं मेरी ट्रेड को बाय डायरेक्शन में प्लेस कर दे रहा हूं। 0.01 लोड साइज हम यूज करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, यहां से मैंने मेरी ट्रेड को प्लेस कर दिया दोस्तों बाय डायरेक्शन में, और आप देखेंगे 0.80 के आसपास दोस्तों यहाँ से मेरा अभी लॉस दिखा रहा था। तो देखते हैं दोस्तों आगे किस तरीके से परफॉर्म करता है, किस लॉजिक के साथ मैंने आज की ट्रेड को प्लेस किया है, सबको डिस्कस करने वाले दोस्तों। यहाँ से अगर हम बैक देखते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों, जो हमने हमारी एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कर रखा है, काफी टाइम तक मार्केट ने अच्छे से यहां से सपोर्ट लिया है, इसके बाद ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद ब्रेकआउट दिया, इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों एक रिजेक्शन कैंडल भी आपको देखने को मिल जाएगी, और अभी 0.22 के आसपास यहां से अभी हमारा लॉस दिखा रहा है। आप देखेंगे दोस्तों यहां से एक रिजेक्शन आया, इस रिजेक्शन को देखते हुए ही हमने यहां से ट्रेड को प्लेस किया है। तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके से यहां से परफॉर्म करता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को हम यहां पे लगा देते हैं। जैसे मैं सोच रहा हूं दोस्तों, स्टॉप लॉस 54,400 का स्टॉप लॉस लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट जोन है। तो चलिए दोस्तों इसी को मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ से हम हमारा जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को रखने वाले हैं 54,400 का ही कर देते हैं सर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से जो हमारा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस को भी दोस्तों मैंने यहाँ से मॉडिफाई कर दिया है। आपको यहाँ से कटी हुई लाइन दिख रही होगी दोस्तों, ये हमारा नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस है कुछ इस तरीके से। अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से जो हमने हमारी एक ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ किया है दोस्तों, आपको ट्रेंड लाइन विजिबल हो पा रही होगी इस ट्रेंड लाइन। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो टारगेट क्या रखेंगे हम, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ से मुझे एक रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों यहाँ से अपना जो टारगेट रहेगा, टारगेट इस लेवल का रख देते हैं 55,052 का। यहाँ से मैं टारगेट सोच रहा हूँ इस लेवल का, मैं यहाँ से अपने टारगेट को मॉडिफाई करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो टारगेट है, टारगेट को भी हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं यहाँ से। तो आप देखेंगे दोस्तों, जो हमारा टारगेट हम रखने वाले हैं 55,050 का ही रख देते हैं हम यहाँ से, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हमारा जो टारगेट है, टारगेट को भी यहाँ से 40 कर देते हैं, इसको 49 कर देते हैं। चलिए दोस्तों, हमने हमारा जो टारगेट है, टारगेट को भी यहाँ पे रख दिया है, एंड स्टॉप लॉस को भी यहाँ पे लगा दिया। टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों ही हमने लगा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करता है। जैसे ही मार्केट थोड़ा मूवमेंट करता है दोस्तों, मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं, मार्केट ऊपर के लेवल पे आ चुका है, 0.37 के आसपास यहां से अभी हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, यहां से मार्केट ने एक यहां से ग्रीन कैंडल बनाई है दोस्तों, 0.41 के आसपास यहां से अभी हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है। और यहां से दोस्तों, जैसे कि हमने हमारा जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट को भी दोस्तों मॉडिफाई कर दिया है, जैसे कि आपने अभी पीछे देखा है। और हमारा अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें दोस्तों, स्टॉप लॉस आपको कटी हुई लाइन नज़र आ पाएगी दोस्तों। जैसे कि हम बात करें स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस दोस्तों कुछ इस लेवल का हमारा स्टॉप लॉस रखा है, एंड हमारा जो टारगेट है दोस्तों, टारगेट कुछ इस लेवल का हमने लगाया है, ऊपर वाले लेवल का, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा टारगेट हमने मॉडिफाई कर दिया है, एंड दोस्तों हमारा जो स्टॉप लॉस को भी दोस्तों यहाँ से मॉडिफाई कर दिया है। तो दोस्तों आगे थोड़ा सा मार्केट को और थोड़ा मूवमेंट करने देंगे, इसके बाद दोस्तों हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि किस लॉजिक के साथ मैंने आज की ट्रेड को यहाँ से प्लेस किया है। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर दिखेगा दोस्तों, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी दोस्तों, यहाँ से लाइन को मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, और अभी आप प्राइस देखेंगे 4,300 के आसपास अभी यहां से प्राइस चल रही है दोस्तों। और जैसा कि हमारा टारगेट 55,050 का हमने हमारा टारगेट रखा है, एंड दोस्तों स्टॉप लॉस 54,399 का हमारा स्टॉप लॉस रख दिया है। तो दोस्तों थोड़ा सा मार्केट को और हम मूवमेंट करने देंगे, इसके बाद सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहां से अगर आप देखेंगे 1.47 के आसपास यहां से अभी हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। और मार्केट अपर डायरेक्शन में बहुत अच्छे से दोस्तों यहाँ से देखेंगे आप, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाया जा रहा है दोस्तों। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दोस्तों विजिबल हो पाएगा, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन रही 1.56 के आसपास यहाँ से अभी हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है दोस्तों। दोस्तों अगर हम मोबाइल को रोटेट करके अगर देखते हैं ना दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको विजिबल हो पाएगा, लगभग 50% के आसपास हमारा टारगेट यहाँ से अचीव हो चुका है दोस्तों। दोस्तों अगर इस सिनेरियो को अगर हम ऑक्टेव एक्स के अंदर देखते हैं, तो किस तरीके से ऑक्टेव एक्स के अंदर दिखता है, चलिए आज हम ऑक्टेव एक्स के अंदर आपको लेके चलते हैं, और ऑक्टेव एक्स के अंदर किस तरीके से सिनेरियो देखने को मिलता है, चलिए दोस्तों आज हम लाइव ऑक्टेव एक्स के अंदर आपको दिखा दें।
तो जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ से मैंने ओक्टाइफेक्स को ट्रेड को ऑप्शन पे सेलेक्ट किया है। यहाँ से जो हमारी ट्रेड प्लेस हो रही है दोस्तों, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर हम देखेंगे दोस्तों, कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ग्रीन कटी हुई लाइन जो है दोस्तों, हमारी जो ट्रेड है 0.01 लॉट साइज के साथ हमने जो प्लेस कर रखी है, सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम हमारा जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस हमने क्या लगाया है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 1.45 का स्टॉप लॉस है एंड टेक प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों 3.49 का यहाँ से स्टॉप लॉस है। इसको 3.50 कर देते हैं और यहाँ से कर देते हैं मॉडिफाई। तो दोस्तों आप इस तरीके से आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस आपने क्या लगाया है, अगर आपको मेटा ट्रेडर 4 में समझ नहीं आ रहा है तो आप ऑक्टाइफेक्स में जाकर अच्छे से टारगेट कितने पॉइंट का है, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से वहाँ से देख सकते हैं एंड मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, किस लॉजिक के साथ आज की ट्रेड को यहाँ से प्लेस किया है। डिफेंस लॉजिक को समझ लेते हैं, किस लॉजिक के साथ आज की ट्रेड को मैंने यहाँ से प्लेस किया है दोस्तों। सबसे फर्स्ट कुछ इस तरीके से यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था। यहाँ से हम इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा सेट कर लेंगे थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने फर्स्ट एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था एंड दोस्तों यहाँ से मैंने एक और भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था, कुछ इस तरीके से आपको विजिबल हो पाएगी दोस्तों। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको तो आपको अच्छे से विजिबल हो पाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ से दोस्तों मैं मार्केट को वॉच कर रहा था। आप देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये हमारी जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ से आपने जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था दोस्तों, यहाँ से इस वाली ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दे दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं प्लेस की, हमने ट्रेड प्लेस करने के लिए दोस्तों आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करने आया। जैसे मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करने आया, इसके बाद दोस्तों यहाँ से हमने ट्रेड को प्लेस किया। आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ से कुछ इस तरीके से एक सपोर्ट एरिया भी मैंने बनाया था, सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया था दोस्तों। यहाँ से जैसे सपोर्ट एरिया को मार्केट ने आप देखेंगे दोस्तों ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट करने आया दोस्तों। रीटेस्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ से मार्केट ने एक नया हायर हाई बनाया। इसके बाद दोस्तों मैंने इस लेवल पे हमारी ट्रेड को प्लेस कर दिया था। इसके बाद देखिए दोस्तों, मार्केट ने अच्छे से यहाँ से परफॉर्म किया। तो दोस्तों जैसे मैं अब बात कर रहा था, फर्स्ट यहाँ पे जो मेरा कन्फर्मेशन था दोस्तों, आप देखेंगे तो यहाँ से एक ब्रेकआउट है, दूसरा यहाँ से एक रिजेक्शन है। तो इस तरीके से दोस्तों मैं देख रहा था यहाँ से फर्स्ट कन्फर्मेशन। सेकेंड कन्फर्मेशन, यहाँ से आपको एक सपोर्ट एरिया भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। सपोर्ट एरिया में कहीं ना कहीं रीटेस्ट करने आया और सपोर्ट एरिया के पास से आपको रिजेक्शन भी देखने को मिल जाएगा कुछ इस कैंडल से। तो ये दोस्तों मेरा सेकंड कन्फर्मेशन यहाँ से था, ठीक है। तो ये मेरा दोस्तों सेकंड कन्फर्मेशन। इसके बाद दोस्तों थर्ड कन्फर्मेशन की अगर बात करें तो मैंने थर्ड कन्फर्मेशन यहाँ पे बंडे के टाइम फ्रेम में अगर हम चलते हैं, ठीक है, से यहाँ से बंडे के टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है मैंने कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से विजिबल हो पाएगा दोस्तों। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से बहुत अच्छा से यहाँ से हमारी जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया दोस्तों। ये देखिए, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से एक रिजेक्शन आया। रिजेक्शन आने के बाद फाइनली मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ से हमारी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आया मार्केट। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से एक रिजेक्शन भी देखने को मिलेगा आपको हमारी ट्रेंड लाइन से, ठीक है। रिजेक्शन देने के बाद कुछ हैमर कैंडल जैसा भी बना है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट जैसे मार्केट मूवमेंट दिखा रहा है, आप देखेंगे कुछ इस वाली कैंडल, जैसे आज की कैंडल में दिखाऊँ दोस्तों, आज की कैंडल कुछ इस तरीके से आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से मैंने 3 कन्फर्मेशन यहाँ से लिए थे। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे किस लॉजिक के साथ आज की ट्रेड को मैंने यहाँ से प्लेस किया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको थोड़ा कुछ लर्निंग के लिए ज़रूर मिला होगा। दोस्तों थोड़ा भी कुछ अगर आपको सीखने को मिला है इस वीडियो से तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई और भी लेटेस्ट वीडियो में। तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।